अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप कि आप सब ने कहा होगा टीचर वी आर फाइन। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्टडी। हेयर इज़ योर इंग्लिश रीडिंग बुक ऑफ ग्रेड टू। हेयर इज़ योर इंग्लिश रीडिंग बुक ऑफ ग्रेड टू। ओपन योर रीडिंग बुक पेज नंबर 11। रीडिंग बुक पेज नंबर 11 ओपन करेंगे आप सब। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है द ग्रेट रेस। द ग्रेट रेस मीन्स एक अजीम दौड़। वट डज द वर्ड विकल मीन। वट डज, वट क्या डज होता है। द वर्ड लव्स विकल, विकल मीन मतलब। वट डज द वर्ड विकल मीन मतलब लव्स व्हीकल के मीन क्या होते हैं, गाड़ी के होते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए। लुक एट, देखिए दीज इन पिक्चर्स, तस्वीर को, ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, मुख्तलिफ गाड़ियों की। तो क्या कह रहे हैं ये हमसे, लुक एट दीज पिक्चर ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, मतलब मुख्तलिफ ये जो गाड़ियों की तस्वीरें दी गई हैं इनको देखें। टू मूव, हरकत के लिए। द व्हीकल्स, गाड़ियों को, नीड, ज़रूरत होती है पावर, ताकत की, फ्राम, हासिल करती हैं। टू मूव द व्हीकल्स नीड पावर फ्राम, जो गाड़ियाँ मूव करती हैं, हरकत करती हैं, उन्हें ताकत की ज़रूरत होती है। तो वो ताकत कहाँ से हासिल करती हैं, फ्रॉम पेट्रोल, पेट्रोल से, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से, कोल, कोयले से, एनिमल्स, जानवरों से, और पावर फ्रॉम आवर मसल्स, यानी हमारे अपने पट्ठों की ताकत हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, पेट्रोल से कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा है ना, कभी आप पापा के साथ बाइक पर जा रहे होते हैं तो वो पेट्रोल डलवाते हैं ना। पेट्रोल से जो है वो कार, गाड़ियाँ, पेट्रोल से बाइक्स, ये सब जो है वो चलता है। ये देखिए यहाँ कार बनी हुई है, ये किससे चलती है, ये किससे मूव करती है, ये पेट्रोल से मूव करती है। ये बस देखें, इसे मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी, ये देखें ये वायर्स दिख रही हैं आपको, ये ट्रेन है ना, ये इसके साथ वायर्स दिख रही हैं। तो ये ट्रेन किससे मूव करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मूव करती है। कोल, ये देखिए ये जो ट्रेन है इससे बहुत सारा धुआँ निकल रहा है, तो इससे हमें पता चलता है ये किससे मूव कर रही है, ये कोयले से है, कोयले की वजह से जो है वो मूव कर रही है, हरकत कर रही है। एनिमल्स, एनिमल्स कैसे हम यूज़ करते हैं, ये देखिए आपने कभी बेल गाड़ी देखी, वो गाड़ी जिसके आगे गायें बंधी हुई होती है, या बेल, या कोई भी अक्सर हमने देखा होगा डंकी कार्ट भी होती है। तो ये सब जो है वो एनिमल की हेल्प से हो सकता है। और जब बात आती है हमारे अपने मसल्स की, तो हम कौन सी सवारी यूज़ करते हैं अपने मसल्स की हेल्प से, साइकिल। जब हम साइकिल यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब साइकिल पर सवारी कर रहे होते हैं, तो हम किस तरह हरकत देते हैं उसे, अपने मसल्स से हरकत देते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। नाउ अब फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर कीजिए बिलो, जो नीचे दी गई है। क्या कहा है हमें कि अब ये ब्लैंक्स पुर करें। कार्स एंड बसेस, कार्स और बसेस मतलब कार और बस को नीड, ज़रूरत होती है। डेज टू मूव, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अभी हमने पढ़ा था ना कार और बस को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार और बस को मूव करने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए हमें बताया गया था ना, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो पेट्रोल की स्पेलिंग देखिए, PETROL, पेट्रोल। कार और बस किससे मूव करती है, पेट्रोल से मूव करती हैं। ट्रेन्स नीड डैश और डैश, ट्रेन्स को ज़रूरत होती है किस चीज़ की, हमने यहाँ दो तरह की ट्रेन्स के बारे में बात की थी ना, दोनों ट्रेन्स किससे मूव करती थी, एक ट्रेन इलेक्ट्रिस, एक ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से मूव करती है और दूसरी कोल से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रेन्स नीड इलेक्ट्रिसिटी और कोल टू मूव, हरकत करने के लिए उन्हें। कार्ट्स नीड डैश टू पुल दैम, कार्ट्स मतलब गाड़ी जो होती है पीछे बैलगाड़ी के, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए, एनिमल की ज़रूरत होती है। किस चीज़ से वो मूव करती है, एनिमल की हेल्प से वो मूव करती है। बाईसाइकिल नीड्स ओनली, बाईसाइकिल यानी साइकिल को चलने के लिए सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पावर फ्रॉम आवर मसल्स, उस ताकत की जो हम अपने मसल्स से उसे देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टार्टर एक्टिविटी थी चैप्टर 1 द ग्रेट रेस की। और अब आपके पास जो पिक्चर्स दी गई हैं इस वीडियो के साथ, आपको कुछ पिक्चर्स भी सेंड की जाएंगी, उन पिक्चर्स में जो वर्ड्स बनेंगे हैं आपने बहुत प्रॉपरली, बहुत सफाई से, जिस पैटर्न से वो वर्ड्स बनेंगे कॉपी में लिखे हुए, उसी पैटर्न से अपनी कॉपी में उन्हें कॉपी करना है। और सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा, बिल्कुल प्रॉपर राइटिंग में काम कीजिएगा। आई होप आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।